को फाइंड करना पड़ेगा मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस एक्सप्रेशन। क्या कर रहे हैं हम लोग, जानते हैं अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन। तो हो जाएगा 2 टू द पावर sin x + 2 टू द पावर cos x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स अंडर रूट 2 टू द पावर sin x * 2 टू द पावर cos x। इतना आ गया, दिस इज इक्वल टू 2। और इसमें क्या कर रहे हैं, 2 टू द पावर sin x + cos x। अब हमको इसका मिनिमम वैल्यू अगर निकाल लेना हमारा काम बन जाएगा। 2 का तो मिनिमम क्या होगा, 2 तो फिक्स है, कोई मिनिमम मैक्सिमम नहीं, यही मिनिमम यही मैक्सिमम। और ये इसका अगर हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल ले काम बन जाएगा। तो इसका मिनिमम वैल्यू कब निकलेगा, जब इस sin x + cos x का हम लोग मिनिमम वैल्यू निकाल ले। तो निकालते हैं, यहाँ पर रिमार्क हम लोग को दिमाग लगाना है कि cos थीटा का मिनिमम वैल्यू -1 और मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है। मिनिमम वैल्यू cos थीटा कितना हुआ, -1, चाहे थीटा कुछ हो रहे उसे मतलब नहीं है। तो दिमाग लगाते हैं sin x + cos x, क्या किया इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, ऑटोमेटिक पूरा डिजाइन को रूट 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। दिस इज इक्वल टू रूट 2, रूट 2 इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, रूट 2 दिस इज क्या sin x + 1 / रूट 2 cos x। अब क्या कर रहे हैं इस चीज को, इसको क्या लिख सकते हैं cos 45 डिग्री, इसको cos 45 लिख सकते हैं, ये हो गया cos x + इसको क्या लिख सकते हैं sin 45 डिग्री, sin 45 डिग्री एंड दिस इज sin x, sin x रूट 2 ये क्या हो गया cos a cos b + sin a sin b, ये फॉर्मूला में आ गया cos a - b। अब थीटा कुछ भी रहे cos का मिनिमम वैल्यू क्या होता है, -1 होता है, मतलब e वैल्यू जो भी होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होगा रूट 2 टाइम्स -1 से, अपना मिनिमम वैल्यू की बड़ा बराबर हो जाएगा। दैट इज ये एक्सप्रेशन क्या, रूट 2 टाइम्स sin x + cos x डिवाइडेड बाय रूट 2, दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू, लास्ट में क्या निकला माइनस रूट 2 निकला। ठीक है, अब इसको तो खत्म करेंगे, तो sin x + cos x का मिनिमम वैल्यू क्या हो गया, माइनस रूट 2 हो गया। दिस इज इसको यहां पर क्या करना है हम लोग को, पुट कर देना है। तो ये एक्सप्रेशन दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 टाइम्स 2 के पावर माइनस रूट 2 2 टाइम्स क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा और बढ़िया तरीके से लिखेंगे तो माइनस रूट 2 भागा 2, रूट का मतलब तो वही होता ही है, 2 इंटू 2 टू दी पावर माइनस 1 बाय रूट 2, ये क्या हो जाएगा 2 टू दी पावर 1 माइनस 1 बाय रूट 2 हो गया। तो हमारे पास क्या निकला, 2 टू दी पावर साइन एक्स प्लस 2 टू दी पावर कॉस एक्स, दिस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू इतना आ गया, दैट इज दिस इज द मिनिमम वैल्यू। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। नेक्स्ट प्रॉब्लम है, यदि ये एक्सप्रेशन लेस देन इक्वल टू 2 है, एक्स वाई जो है पॉजिटिव रियल नंबर्स बिलोंग करता है, तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एक्स वाई फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे, यहां से लेते हैं, ये क्या हो जाएगा लॉग एम माइनस लॉग एन का फॉर्मेट में है, तो ये क्या हो जाएगा लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब होल डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये आ गया। दिस इज इक्वल टू लॉग टू बेस 10, इसको फैक्टराइज कर देंगे तो एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई, ये खत्म हो गया। दिस इज इक्वल टू लॉग क्या हुआ 10 एंड दिस इज एक्स प्लस वाई, ये तो लेफ्ट तरफ का सॉल्व हुआ एंड दिस क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 2 दैट इज लॉग लॉग नॉट दैट इज एक्स प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू 10 टू द पावर 2, दिस इंप्लाइज एक्स प्लस वाई मस्ट बी लेस देन इक्वल टू कितना हो गया 100 मेरा आ गया। ठीक है, बट हम लोग जानते हैं एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट एक्स वाई, अरिथमेटिक मीन ग्रेटर देन ऑलवेज ज्योमेट्रिक मीन, ए इज ग्रेटर देन इक्वल टू जी। तो यहां पर एक्स प्लस वाई का मान कितना देके रखा है, एक्स प्लस वाई जो है इसका मैक्सिमम मान कितना है 100 है, तो यहां पर सेट कर सकते हैं ये दिस इज 100 इसका मतलब क्या हो गया, ये समझ में आ गया, मतलब क्या हुआ एक्स वाई का क्या हो सकता है, या तो इतना तक जाएगा या फिर उससे छोटा हो जाएगा, दैट इज मैक्स ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू 2500, ये मेरा हो गया। यहाँ पर एक्स वाई की जगह हम 100 सेट इसलिए किया बिकॉज इसका हम लोग मैक्सिमम वैल्यू पुट करेंगे तब ना इस एक्सप्रेशन का मैक्सिमम वैल्यू निकलेगा,
वही फंडा है, हमको प्रूफ करना है कि ग्रेटेस्ट वैल्यू ऑफ एक्स वाई जो है इतना होगा जहां पर ये दिया है ए स्क्वायर फोर प्लस बी स्क्वायर वाई फोर इक्वल टू इतना। हम लोग जानते हैं अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन ज्योमेट्रिक मीन, दैट इज ए स्क्वायर एक्स फोर प्लस बी स्क्वायर वाई फोर दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, टू टाइम्स अंडर रूट, बस सबको मल्टीप्लाई करते हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स फोर वाई फोर, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एक्स फोर वाई फोर एंड दिस इज इक्वल टू टू ए बी एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर इतना गया। ये पूरा पूरी कितना है सी थ्री पर सिक्स के बराबर है, दोनों तरफ अंडर रूट लगा दिए, अंडर रूट लगा दिए दोनों तरफ, तो फिर क्या मेरे पास बन जाएगा, दिस इज अंडर रूट टू ए बी एंड दिस इज एक्स वाई, ठीक है ये ऐसे है, दिस इज क्या हो जाएगा सी टू द पावर थ्री हो जाएगा, इसको इधर भेज देते हैं अंडर रूट टू ए बी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा, मतलब एक्स वाई का मैक्सिमम वैल्यू ये हो गया, वही फाइंड करना था, प्रूफ हो गया। हम लोग को 1 प्लस 1 बाय x 1 प्लस 1 बाय y इसका हमको मिनिमम वैल्यू निकालना है, यदि x plus y equal to 8 दिया हुआ और x और y पॉजिटिव रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है इसका सॉल्यूशन करते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे। हम लोग जानते हैं कोई एक्सप्रेशन, जैसे हम जानते हैं कि अरिथमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है, दैट इज a plus b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2 अंडर रूट ab, ठीक है, इसका अगर बोले कि मीन मीन ऑफ ab दैट इज मीन ऑफ a plus b, तो ये क्या हो जाएगा मीन ऑफ a plus b इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 अंडर रूट ये भी होगा, यही ना इसका मिनिमम वैल्यू हो गया, ठीक है। तो दूसरा तरीका, और यदि हम लोग a इज इक्वल टू b सेट करें, a इज इक्वल टू मतलब क्या, यहाँ पर इक्वालिटी को होल्ड करवा दिए, इक्वालिटी को होल्ड करा दिए, ठीक है, मतलब इक्वालिटी को होल्ड कराए तब ये मेरा मीन वैल्यू निकला, सीधा बात है, क्योंकि यहाँ इक्वल टू ले लिया है, तो हम लोग इसमें इक्वालिटी होल्ड करा के देखते हैं तब क्या आता है, a प्लस b इक्वल टू 2 अंडर रूट ए बी, बिकॉज मिनिमम में हम लोग को इक्वालिटी लेना पड़ा, ऐसे नॉर्मली इक्वालिटी करके देखते हैं तो ये क्या इस चीज क्या आ जाएगा, दिस इज इसको हम लोग एक्स को स्वैप करके दिया जाएगा रूट अंडर ए रूट अंडर बी का होल स्क्वायर दिस इज इक्वल टू 0, तो मेरा यहां से प्रूफ हो जाएगा ए इज इक्वल टू बी, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू तब ये पॉसिबल हो पाएगा जब ए इज इक्वल टू बी, मतलब इधर हम लोग बराबर सेट कर देंगे, तो वही बुद्धि यहाँ पर लगाते हैं कि इसका मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू हम लोग को सेट करना है, तो इसका मिनिमम वैल्यू कब होगा जब 1 प्लस 1 बाय x इक्वल टू 1 प्लस 1 बाय y होना चाहिए, दैट इज x इज इक्वल टू y होना चाहिए, x इज इक्वल टू y यहां पर सेट करेंगे तो यहां से मेरा क्या निकलेगा 2x और 2y इज इक्वल टू होना चाहिए, इसका मतलब x और y दोनों का मान क्या होना चाहिए 4 होना चाहिए, तो हम लोग यहां पर क्या करेंगे 4 सेट कर देंगे तो 1 प्लस 1 बाय 4 पूरे का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर, बिकॉज सेम यहां भी 4 बैठेगा दैट इज 5 बाय 4 का16 तो करेंगे, तो अब हम लोग क्या कर रहे हैं इसको थोड़ा सा कुछ रिजॉल्व करते हैं, इसको फिर से सॉल्व करते हैं, कुछ मॉडिफाई करने की कोशिश करते हैं, तो क्या आ जाएगा मेरा ये चीज 1 प्लस एक्स वाई प्लस एक्स प्लस वाई इधर आ जाएगा मेरा, और नीचे तो मेरा एक्स वाई ही आना है, इतना मेरा आ गया। नाउ एक्स प्लस वाई की जगह मैं तुम्हारा 8 दिया, 8 बैठा देना काम करता, दैट इज 1 प्लस 8 प्लस एक्स वाई रहा, अब सबके साथ एक्स वाई डिवाइड कर देंगे, ये मेरा हो जाएगा 1, दिस इज क्या हो जाएगा 9 बाई एक्स वाई प्लस 1, तो ये एक्स वाई मेरा 9 बाई एक्स वाई प्लस 1, इसको सॉल्व करने के बाद ऐसे होगा 9 बाई एक्स वाई प्लस 1, 1 बाई एक्स वाई इतना लेके रखा होगा, दैट इज 9 बाई एक्स वाई 9 बाई 16 से बड़ा छोटा होगा, ठीक है। आ इधर मान लिया, इधर हम प्लस 1 करेंगे, इधर भी प्लस 1 करेंगे, जो कि मेरा हो जाएगा 25 बटे 16 के बराबर, इसका मतलब क्या हो गया 1 प्लस 9 बाई एक्स वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू 25 बटा 16, दैट इज मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, रीजन मिनिमम वैल्यू, इसका मिनिमम वैल्यू ये होगा, लेकिन ये तो इसके बराबर है ना, इसका मतलब इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा 25 बाई 16,